नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथ फाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिस्ट भी और एक अन्य पोस्ट के बारे में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में होंगी और ये वैकेंसी डिप्यूटेशन के माध्यम से भरी जाएंगी। तो जो पहली पोस्ट है वो है साइंटिस्ट भी के लिए, जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन और सेमी गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क कर रहे हैं इंडिया और अब्रॉड में, उनके पास एनालॉगस पोस्ट होल्डिंग होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट और जूनियर एनालिस्ट के साथ 2 साल की सर्विस होनी चाहिए ग्रेट स्टैंडर्ड में अपॉइंटमेंट के बाद रेगुलर बेसिस पे, पे बैंड 2 में ₹93,00 से ₹34,800 में। साथ ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेज में और बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से। साथ ही साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट और जूनियर एनालिस्ट के साथ 3 साल की सर्विस होनी चाहिए ग्रेट स्टैंडर्ड में अपॉइंटमेंट के बाद रेगुलर बेसिस पे। जो डिजायरेबल होगा दोस्तों वो डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेज में और मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से। साथ ही स्पेशलाइज एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में। जो दूसरी पोस्ट है दोस्तों वो है साइंटिस्ट सी, इसके लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं इंडिया और अब्रॉड में, उनके पास एनालॉगस पोस्ट होल्डिंग होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। साथ ही 5 साल की सर्विस होनी चाहिए ग्रेट स्टैंडर्ड में अपॉइंटमेंट के बाद रेगुलर बेसिस पे, पे बैंड 3 में ₹15,600 से ₹39,100 में। साथ ही मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेज में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से। साथ ही 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में। जो डिजायरेबल होगा दोस्तों वो डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेज में और मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में और मेडिसिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से। अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न एंड एक्सट्रास, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अन्य के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे सारे अटैचमेंट गिवन है जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और यहाँ पे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी गिवन है जहाँ पे आपको एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से खुलेगा दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट के आगे उनका पे लेवल गिवन है, साइंटिस्ट बी के लिए जो पे लेवल है लेवल 10 है, 56,100 से 177,500। टोटल वैकेंसी जो है वो 4 हैं दोस्तों, और साइंटिस्ट बी के लिए उसमें से 3 वैकेंसी है। नेम ऑफ द पोस्ट गिवन है, एलिजिबिलिटी और डिजायरेबल गिवन है। साइंटिस्ट सी के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1 है, लेवल 11, इसका प्री मैट्रिक्स है 67,700 से 208,700। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दोस्तों न्यू दिल्ली। एप्लीकेशन मोड जो है दोस्तों वो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। एज लिमिट है 18 से 56 साल। स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की 5 मार्च 2022 और लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, एज लिमिट, जनरल इन्फॉर्मेशन। अप्लाई कैसे करना है आप जाके इनकी वेबसाइट पे जाके recruitment.tst.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको हार्ड कॉपी भेजनी होगी, और इस तरह से यहाँ पे आपको एड्रेस गिवन है जहाँ पे आपको अपनी अप्लीकेशन भेजनी होगी अगर ऑफलाइन भेजना चाहते हैं तो। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी गिवन है, तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू करें, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पर भी विजिट कर सकते हैं, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप रिप्लाई करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।